Welcome back students. In the next lecture of Commerce 6-1, as you all know, the chapter is size separation. अभी तक आपने size separation में क्या पढ़ा है? कि size separation होती क्या है? आपने अलग-अलग grades के counters पढ़े हैं. आपने sheets के बारे में पढ़ा है. मैंने आपको अलग-अलग number की sheets दिखाई हैं और आपने sheets के standards के बारे में पढ़ा है. अब हम आ रहे हैं next topic की तरफ. Method for size separation. Okay.
उनमें से मटीरियल जो है वो पास कर सकते हो। दूसरा जो है दैट इज ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग मेथड आपने देखा भी होगा, ये टेक्निक जो है मेरे लेबरर्स होते हैं वो यूज करते हैं जब वो सैंड वगैरह को सीन में से पास करते हैं। कि अगर आपकी जो सीन है वो रुक रही है, जाम हो रही है, तो आप उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर सीन के ऊपर ऐसे ब्रश आप यूज करते हो तो मैशेस को आप क्लियर कर देते हो, पार्टिकल्स इजीली उसमें से मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये तो क्या जनरलाइज सर्कुलर सीन जो आपने देखी है। इसके अलावा मार्केट में सिलेंड्रिकल सीन जो स्पायरल फॉर्म में सीव्स आती हैं, उन सीव्स के अंदर स्पायरल ब्रश के साथ आप जो है उसमें क्लीनिंग करते हो, उनके जो ब्रशेज होते हैं ना मनी उसमें से पास हो जाता है। क्लियर, ये है आपका ब्रशिंग मेथड। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड जो है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड में रोटरी मूवमेंट जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आप जो है सीव्स को रोटरी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। रोटरी मूवमेंट जब वो ये कहाँ पे यूज होती है, ये सिलेंड्रिकल सीव्स के केस में यूज होती है, अंदर रूटर लगा होता है उनमें, उससे सीव्स मूव करती हैं। और जो रोटरी मूवमेंट होती है उसकी हेल्प के साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है वो पार्टिकल्स को जो मैशेस के अंदर से निकलने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये तीन मेथड हैं जिससे आप सीव में से मटीरियल को ईजिली पास होने में हेल्प करते हैं। अब ये जो सीविंग की टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है। इसके लिए आपको कोई बहुत ट्रेंड वर्कर या वो कह सकते हैं मशीन मैन की जरूरत नहीं होती है, कोई अनट्रेंड पर्सन भी इसको कंडक्ट कर सकता है। और ये कोई एक्सपेंसिव टेक्निक भी नहीं है, रैपिड टेक्निक है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक भी नहीं है। और इस टेक्निक में आप सिंपल सीव्स को यूज करके ईजिली कितने सारे फ्रैक्शन जो हैं वो आप सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीव नंबर। हर फ्रैक्शन का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा फाइन बॉर्डर कितना है, किस ग्रेड का बॉर्डर कितने अमाउंट में पैसे है। तो ये आपकी फर्स्ट टेक्निक है सीविंग टेक्निक। सेकेंड इज साइक्लोन सेपरेटर एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साइक्लोन सेपरेटर जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका पेपर में। साइक्लोन सेपरेटर और एयर सेपरेटर, ये दोनों जो है इस चैप्टर में पेपर में आने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी कॉमन नेम है। जब एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है एक ही जगह पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव करता है। ठीक है, तो साइक्लोन प्रोड्यूस होता है उस टाइम। साइक्लोन सेपरेटर की जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी इसके और उसी से साइज सेपरेशन में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जब जो साइज सेपरेशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, साथ में पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। आप एयर की वेलोसिटी को यहाँ पर यूज करेंगे तो प्रोड्यूस साइक्लोन इन साइड द साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, साइक्लोन जैसी कंडीशन साइक्लोन सेपरेटर के अंदर प्रोड्यूस होगी। आप इनर्ट गैस ले सकते हैं या हाई वेलोसिटी एयर ले सकते हैं, उससे मटीरियल जो है साइक्लोन सेपरेटर के अंदर मूव करेगा और अलग अलग फ्रैक्शन जो है सेपरेट होती जाएगी। अब ये कैसे होगा, ये पहले आप डायग्राम की कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनाना मस्त है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था सारी इंट्रोडक्शन में भी, अभी भी आपको यही कह रही हूँ कि डायग्राम बनाना मस्त है इन चैप्टर्स में। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे आप आपके पास होगी उसमें से देख के आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए और फिर समझिए। ठीक है, प्रिंसिपल बताया मैंने आपको, अब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, सिलेंड्रिकल इसकी वेसल है, कोनिकल उसका बेस है। ये जो बेस है आपने कोनिकल बनाना है, अपर डायमीटर उसका ज्यादा है वैसे तो लोअर डायमीटर काफी कम है। ठीक है, अब इसके इधर से क्या बनाने का आपने टेंशनल इनलेट, इनलेट है टेंशन थीटा के एंगल में ओवर सेट की होती है टेंशनल इनलेट। और इधर को आपने बनाना है फ्लूड आउटलेट, फ्लूड जो एयर है। ठीक है, एयर की इनर्ट गैस जो भी है उसके लिए जो यूज होती है उसकी आउटलेट है। यहाँ पर नीचे आपने बनाना है सॉलिड आउटलेट, अलग अलग फ्रैक्शन के जो सॉलिड है उनकी सेपरेशन के लिए नीचे है
सॉलिड आउटलेट, ठीक है, ये बड़ी सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब होता क्या है इसमें, वेसल के अंदर होता है आपका मटेरियल जिसको आपने अलग अलग फ्रैक्शन में सेपरेट करना है। तो आप क्या करते हैं, कंडेंशनल इनलेट से हाई वेलोसिटी एयर और इनर्ट गैस, एयर ही मोस्टली हम डालते हैं, अदर इंट्रोड्यूस करते हैं हाई वेलोसिटी के ऊपर। जब आप एयर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हो तो वो जो वेलोसिटी होती है इन पार्टिकल्स को भी प्रोवाइड हो जाती है, अंदर बिल्कुल साइक्लोन जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वॉल्स के साथ दे आर थ्रोन टू द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, अंदर जो सिलेंडर होता है उसकी वॉल्स के ऊपर ये गिरते हैं, उनके साथ ये टकराते हैं। और फिर ऐसे ही ये पार्टिकल जो हैं जैसे जैसे उनकी बल्क डेंसिटी या पार्टिकल साइज होता है उस हिसाब से ये नीचे गिरते स्टार्ट हो जाते हैं। जो हैवी वेट होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कोर्स पार्टिकल, तो यहाँ इस जो नीचे सॉलिड आउटलेट है उसमें पहले कलेक्टिंग में स्टार्ट हो जाते हैं। जो जैसे जैसे एयर की वेलोसिटी कम होती है जो वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं वो इधर से फूड आउटलेट से एयर के साथ बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस होती है इसमें पार्टिकल साइज और बल्क डेंसिटी दोनों का होता है। यूज हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हैं। अब ये जो आपका साइक्लो सेपरेटर है ये कहाँ यूज होता है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है कि सॉलिड एयर सस्पेंशन बना के, मतलब सॉलिड कोई भी है उसको एयर के अंदर हम सस्पेंड करके उसके अलग अलग फ्रैक्शन जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। इवन सॉलिड एंड लिक्विड सस्पेंशन के लिए भी इसको कई बार यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, पहले आपने इसके प्रिंसिपल लिखना है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन इसको एक्सप्लेन करना है, फिर इसकी वर्किंग और फिर इसका यूज। इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे डायग्राम को भी, प्रिंसिपल इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेस की सेपरेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज एंड बल्क डेंसिटी, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन में वही सिलैंडरिकल वेसल कॉनिकल बेस कंडेंशनल इनलेट है आउटलेट है नीचे सॉलिड की आउटलेट है अलग अलग फ्रैक्शन में आपको सॉलिड। उसके बाद वर्किंग है कि आपका मटेरियल जो है वेसल के अंदर लाई करेगा, जहाँ से आपने एयर को इंट्रोड्यूस करना है टेंजेंट थीटा के एंगल के ऊपर हाई वेलोसिटी एयर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जो मटेरियल है वो हाई वेलोसिटी को अचीव करके अंदर एयर में मूव करना शुरू करेगा, अंदर बिल्कुल साइक्लोन जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी, मटीरियल वॉल्स को भी टकराएगा, मटीरियल नीचे गिरना स्टार्ट होगा, सॉलिड फ्रैक्शन नीचे आपके कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और इसको आप यूज कहाँ करते हैं, सॉलिड की जो एयर के अंदर सस्पेंशन होती है उसको आप इस तरीके से सेपरेट करते हैं, इवन लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स को भी आप इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको आपने बहुत